हेलो गाइस, टॉकिंग दुग्गल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बारामूला से कन्याकुमारी रेलवे लाइन के बारे में। चलो शुरू करते हैं। ये रेलवे लाइन बारामूला से कन्याकुमारी तक है। मैं आपको बता देता हूँ, ये रेलवे लाइन इंडिया के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट। श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक का टारगेट 2022 रखा गया है। इस रेलवे लाइन के बन जाने से साउथ इंडिया भी कश्मीर वैली से पूरी तरह कनेक्ट हो जाएगा और बहुत ही कम पैसों में आप सभी जा सकेंगे कश्मीर, श्रीनगर और बारामूला। आपको तो पता ही है कितनी अच्छी जगह है ये, घूमने के लिए सबसे बेस्ट प्लेसेस हैं इन इंडिया। मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, इस रेलवे लाइन पे इसीलिए स्लो काम चल रहा है क्योंकि ये एरिया थोड़ा, आपको तो पता ही है, थोड़ा खतरनाक एरिया माना जाता है टेररिज्म के, और अटैक होने की संभावना बहुत रहती है इस एरिया में। इसलिए इस चनाब पुल को भी बुलेट प्रूफ, और एक बात और, 260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवा भी इस ब्रिज का कुछ नहीं कर पाएंगी, और जो अर्थक्वेक आते हैं वो भी ये ब्रिज सह लेगा। आप सभी भी तैयार रहें 2022 में कन्याकुमारी या दिल्ली से सीधा श्रीनगर जाने के लिए। मैं आपको बताना तो भूल ही गया, इस रेलवे लाइन पर बन रहे चनाब ब्रिज को बनाने के लिए इंडिया के और बाहर के इंजीनियर, जो कि बहुत ही बड़े इंजीनियर हैं, वो बहुत ही जोरों शोरों से इस ब्रिज को बना रहे हैं, और बहुत ही जल्द ये ब्रिज 2021 और 22 में बनकर तैयार हो जाएगा। अगर किसी ने लेह लद्दाख लाइन पर वीडियो नहीं देखी तो मैंने डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दिया है, वहां से जरूर देख लेना। और हाँ, मुझे कमेंट में जरूर बताएं अगली वीडियो किस रेलवे लाइन पर बनाई जाए, और टॉकिंग दुग्गल आपका फेवरेट चैनल, इसको जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।